अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए आज मैंने क्या किया है। मैं चाय रख के भूल गई थी तो वो जल जल के सारा दूध सारी शुष्क हो गया, और उसके बाद मेरी पतीली का ये हाल हो गया। और सुबह से मैं छुरी से डंडे ले लेके तो इसको कर रही हूँ साफ, लेकिन ये मेरा साफ नहीं हो पा रहा। तो जनाब करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। ये मैंने ले लिया सरफ, तकरीबन 2-3 चम्मच आप सरफ के ले लें। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं पानी इतना के जो है फुल नहीं भरूंगी, इतना भरूंगी कि जितना जो है पानी बॉईल आने के बाद जब इसका फोम बनेगा सरफ का तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऊपर तक आएगा, तो ये सारी जो साइड्स हैं ये भी हो जाएंगी कवर। ये देखिए आज मेरे कितनी मुश्किल में फंस गई हूँ, तो बस जो मैं तजुर्बा करने लगी हूँ वो आपके सामने करने लगी हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है ताकि इसे बॉयल आए। पानी देख लीजिए उबल रहा है। अब मैं आंच तेज करूंगी, पानी ऊपर तक आएगा, फिर मैं साथ ही आंच हल्की कर दूंगी। इसी प्रोसेस के जरिए मैं तकरीबन 10 मिनट जो है ये पानी उबालती रहूंगी ताकि हमारी जो कढ़ाई है, ये सॉरी कढ़ाई नहीं है पतीली है, ये अच्छे से साफ हो जाए। अब मैं आज से चूल्हा कर दूंगी, फिर मैं थोड़ी देर बाद उबाल दिलाऊंगी। तो 10 मिनट तक हम यही करते रहेंगे काम, दुआ करें मेरी पतीली साफ हो जाए। तो जनाब की मैंने रात भर रखी थी पतीली, देखते हैं अभी। फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल किया है पानी, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं, हमारी पतीली साफ हुई कि नहीं हुई। चलिए जी, काफ़ी हद तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैजिक हो गया है, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरी पतीली बच गई है, शुक्र है अल्लाह का। इसको मैं थोड़ा थोड़ा देखती हूँ रगड़ के, शायद इंशाल्लाह साफ हो जाए। साफ तो होगी इंशाल्लाह, लेकिन दोनों हाथों की मदद लगानी पड़ेगी। ये देखें पहले क्या थी और अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। इसको तकरीबन आप समझे 99% साफ हो गई है। अब इसको बाकी मैं थोड़ा सा ये जो लोहे की जाली है इसके साथ करती हूँ साफ, रगड़ रगड़ के। चलें जी, ये जो है मैंने इसको थोड़ा सा साबुन लगा के तो फिर मैंने इसे अच्छे से बहुत रगड़ा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी साफ हो गई है। ये थोड़ा बहुत रह गया है, ये तो साथ साथ छोटी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि पतीली मेरी साफ़ हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा था वेस्ट हो गई है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये साफ़ हो गई है। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह काम करेगा। ओरिजिनल ऑथेंटिक आपको मैंने रिव्यूज़ दिए हैं इस हैक के। तो जी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।